झारखंड के स्कूलों में अब सहायक अध्यापकों पारा शिक्षकों की नहीं होगी बहाली। जी हां, आपने सही सुना, झारखंड के स्कूलों में सहायक अध्यापकों और पारा शिक्षकों की बहाली अब नहीं होगी। 2092 तक कोई बहाली की प्रक्रिया नहीं की जाएगी, सरकार का बड़ा अपडेट। झारखंड में पारा शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष निर्धारित की गई है। सेवानिवृत्त पर शिक्षक कल्याण कोष से इन्हें एक मुक्त राशि देने की तैयारी भी कर रही है। इसके लिए कल्याण कोष का गठन भी किया जा रहा है। बचने के झारखंड के स्कूलों में 2092 तक सहायक अध्यापक पारा शिक्षक ही पढ़ाएंगे। इसके बाद स्कूलों में पारा शिक्षक रहेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार 2092 तक सभी पारा शिक्षक सेनावृत्त हो जाएंगे। राज्य में वर्ष 2011 के बाद से पारा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में राज्य में कुल 60,303 पारा शिक्षक कार्यरत हैं। अगले 10 वर्षों में इनमें से लगभग 18,000 शिक्षक सेनानिवृत्त हो जाएंगे। वर्ष 2034 तक राज्य में कार्यरत पारा शिक्षकों की संख्या 42,537 बच जाएगी। वहीं 2045 में शिक्षकों की संख्या 10,000 से कम हो जाएगी। वर्ष 2045 में शिक्षकों की संख्या 9,620 रहेगी। वर्ष 2050 में शिक्षकों की संख्या 1,000 से कम रह जाएगी। वर्ष 2092 में 48 पारा शिक्षक सेनावृत्त होंगे। इसके साथ ही विद्यालयों में एक भी पारा शिक्षक नहीं रहेंगे, ना ही सहायक अध्यापक रहेंगे। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2034 से सेनावृत्त होने वाले शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी। वर्ष 2034 से में पहली बार 3,000 शिक्षक सेनावृत्त होंगे। सबसे अधिक 3,500 शिक्षक वर्ष 2036 में रिटायर होंगे। पारा शिक्षकों के कल्याण कोष के गठन को लेकर मंगलवार को झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक किरण कुमारी पासी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसमें पारा शिक्षक की बीआरपी सीआरपी व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शिक्षक संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए। बचा जिले के झारखंड में पारा शिक्षकों की सेनावृत्ति की उम्र 60 वर्ष निर्धारित कर दी है, जिसकी वजह से सेवानिवृत्त पर शिक्षक कल्याण कोष से इन्हें एक मुश्त राशि देने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए कल्याण कोष का गठन भी किया जा रहा है। बचा जिले के झारखंड में पारा शिक्षकों और सहायक अध्यापकों की बहाली नहीं की जाएगी, न ही हो रही है 2011 के बाद। जिसमें जेडेड पास हुए टेड पास हैं, उनके लिए अब कोई बहाली नहीं देखने को मिलेगी झारखंड के स्कूलों में। छोटी सी थी, आपका क्या ख्याल है कमेंट से जानते रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा।